नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइंस, हमारे खास एपिसोड फोटोशॉप की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप अपने फोटो को एक एल्बम बनाना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर एक टूल के बारे में बताऊंगा जो कि आपके एल्बम बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और इससे आपके एल्बम बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत भी मिलने वाली है। दोस्तों, ये जो टूल है ये आपका एक शेप टूल है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि इस शेप टूल को ड्रॉ करने के बाद इसमें आप फोटो को क्लिप कैसे करते हैं। तो इस पूरी जानकारी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दें। इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा इस वीडियो को। और चैनल पर नए हैं भैया तो देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए लाल वाले बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल लाइंस को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी ये जानकारी हासिल कर सकें। और चलिए शुरू करते हैं आपको और बताते हैं कि आपको कि ये जो क्लिप है वो हम इस फोटो को कैसे करेंगे अपने शेप में। हाँ, तो दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको किस तरीके से फोटो एल्बम पेज जो है आपको डिज़ाइन करना बताऊंगा और आप किस तरीके से बना पाएंगे अपने फोटो को। तो ओपन कर लेंगे अपना फोटोशॉप, तो जल्दी से अपना फोटोशॉप ओपन कर लीजिए और उसके बाद जो है आप अपना पेज क्रिएट कर लिए। दोस्तों, यहाँ पर हम कंट्रोल एन प्रेस कर रहे हैं अपने फाइल का और इसके बाद जो है यहाँ पर जो पेज का साइज़ है वो हम लोग ले लेंगे 18 और 9 का। दोस्तों, यहाँ पर जो या फिर हम 12 गुड़े 18 का साइज़ जो होता है वो हम ले लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हम यहाँ पर विड्थ जो ले लेंगे वो ले लेंगे 18 इंच की और यहाँ पर जो हाइट है वो हम ले लेंगे 12 इंच का। और रेजोल्यूशन आपको याद रहे हमेशा 300 इंच का जो है रेजोल्यूशन लेना है। तो ये जो है दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ 12 गुड़े 18 का एक पेज आपका सामने आ चुका है और जो कि हमारा जो पेज है वो लैंडस्केप में है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से, अब यहाँ पर हम लोग इंसर्ट करेंगे फोटो। तो अपना फोटो जो भी हमारा फोल्डर है उस फोल्डर को हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम अपना फोटो का फोल्डर जो ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी कुछ फोटोज़ हैं जो कि हम इस फोटो को लेकर के अपना हम एल्बम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो फोटो है, चलिए इनको फोटो को हम जो यहाँ पर से सिंपल सा ड्रैग करेंगे और यहाँ अपने इस पेज पर फोटोशॉप पर हम लोग यहाँ ड्रॉप कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से आपके फ़ोटो जो है सब इंसर्ट हो रही हैं और आप भी इस तरीके से अपनी कोई भी फ़ोटो को ले लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम इस बैकग्राउंड को हम ले लेंगे जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने बैकग्राउंड को यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। आप भी चाहें तो बैकग्राउंड बना सकते हैं और इसको हम यहाँ से सिंपल सा शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके अपने ड्रैग करेंगे इस कॉर्नर से और आपके सामने ये जो है बैकग्राउंड एक रेडी हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है क्लिप का ऑप्शन, यानी कि जो शेप वाला आप देख रहे हैं, शेप वाला जो है टूल को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर शेप वाले टूल पर क्लिक करेंगे और ये देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर दिया हुआ पाथ और नीचे दिया हुआ शेप लेयर। दोस्तों, हम लोग शेप लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी कलर के हमारे लेयर है तो उसमें यहाँ ब्लैक कलर की लेयर है तो यहाँ पर ब्लैक रहेगा। और इसके बाद जो है हम किसी भी प्रकार के यहाँ पर आप राइट क्लिक करके देखें तो यहाँ पर कई तरीके के आपके शेप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप कोई सा भी शेप आप लगा सकते हैं, कोई सा शेप आप ले सकते हैं, जिस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है उस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे पेज को और यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल हमने लिया है शेप का और यहाँ पर हमने एक फ़ोटो को ले ली। दोस्तों, ये फ़ोटो जो है लेने के बाद जो है हम वी प्रेस करके हम इस फोटो को जो है मूव करा सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा मूविंग टूल है इस टूल को हम सेलेक्ट करके हम अपने इस शेप को मूव करा सकते हैं और कंट्रोल टी करके हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके सामने साइड में देखेंगे तो ये सिलेक्शन जो है आ चुका होगा और इसको हम डबल क्लिक करके इतना सेट कर लिया। दोस्तों, यहाँ पर जो है हम कोई सी फ़ोटो लगा देंगे इसके अंदर और एक हम दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं, आपको दिखा दें। यहाँ पर जो है हम एक ले लेते हैं क्लिप्स टूल और क्लिप्स टूल को जो है हम फिर से यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से इस टूल को ले लेते हैं और यहाँ वी की मदद से हम थोड़ा सा एक यहाँ कर लेंगे और इसके बाद ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करने के बाद जो है एक शेप और ड्रॉ करेंगे। अब दोनों को यहाँ पर देखेंगे, लेफ्ट साइड में जो हमारा लेयर का टूल है तो यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपका एक अच्छा सा फिट हो जाए, ताकि आपको जो भी चीज़ दिखे वो अच्छे से दिखे। और अब आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से हमने सेलेक्ट कर लिया है और अब जो है यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक करके देखेंगे कि यहाँ पर जो है स्ट्रोक का ऑप्शन आ गया है हमारा और स्ट्रोक हम लोग
ले लेंगे तो किसी भी कलर का आप स्ट्रोक ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने व्हाइट कलर का स्ट्रोक ले लिया है जो कि 5, देख लीजिए यहाँ पर अपने हिसाब से 5, 10 जितना भी आप लेना चाहें 20 तक आप ले सकते हैं स्ट्रोक को अपने। और यहाँ पर हमने 60 का स्ट्रोक लिया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके इस FX जो यानी कि जो है आपका शो कर रहा है इसी को Shift ऑल्ट प्रेस करके हम ऊपर ड्रैग करेंगे तो हमारे दूसरे में भी उतना ही स्ट्रोक लग जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से हमारा हो चुका है और इसी को हम जो है यहाँ नीचे भी करेंगे तो रेक्टेंगल में हमारा स्ट्रोक यहाँ पर लग चुका है। और अब जो है हम इस लेयर को थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं, दोनों अलग हो जाएंगी लेयर और आप भी इस तरीके से अपना कर लीजिएगा। और जैसा भी डिज़ाइन आप करना चाहें अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। और अब जो है हम फिर से ले लेंगे रेक्टेंगल वाला टूल या फिर आप जो है राउंड कॉर्नर वाला ले सकते हैं रेक्टेंगल टूल। तो यहाँ पर जो है आप ले लीजिए ऐसा और यहाँ पर जो आप देखेंगे कुछ इस टाइप से है हमारा रेडियस जो है 10 है अभी। और इस रेडियस को हम जो है यहाँ पर 60 करके देखें कितना हमारा जाता है। तो यहाँ पर हमारा रेडियस जो है भी 10 था और यहाँ पर जो है हम 20 करके रेडियस देखें कितना जा रहा है कि यहाँ दिखा इनवैलिड न्यूमेरिक एंट्री। दोस्तों यहाँ पर इनवैलिड दिखा रहा है तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है इतना ले लेंगे और ये देख रहे हैं दोस्तों कि जितना है और ये हमारा जो है कितना दिखा रहा है अभी 13 दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम जो है 5 करके देखें इसको कि 5 में हमारा कितना है। यहाँ पर 5 में भी अभी अधिक है और इसके बाद जो है जो इसका रेडियस हम इसको कर लेते हैं 1 का रेडियस और 1 का रेडियस हमारा ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस टाइप से हमारा दिखा दिया और यहाँ पर जो है जो हमारी स्ट्रोक है वो इतना दिखा रहा है। तो स्ट्रोक चलिए हम थोड़ा सा यहाँ से कम कर लेते हैं और अभी जो हमारा स्ट्रोक है वो दिखा रहा था 60 का, यहाँ हम कर लेंगे 30 का स्ट्रोक। और उसके बाद जो है ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस टाइप से हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर इसको हम जो है बड़ा कर लेते हैं बॉक्स और ये वाला बॉक्स हमारा थोड़ा सा छोटा रहेगा। अब दोस्तों आपके सामने ये पेज एक ऐसा डिज़ाइन हो चुका है और यहाँ पर आप किसी भी तरीके से इसका जो है सिलेक्शन और इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इस टाइप से इसका डिज़ाइन कर लिया है और आप भी इस तरीके से डिज़ाइन कर लीजिएगा। तो जैसा आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लेंगे। अब दोस्तों हमारे सामने ये एक लेयर पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम करेंगे क्या, सिंपल सा इसमें फ़ोटो पेस्ट करेंगे। और फ़ोटो पेस्ट करने के लिए हमने क्या किया हुआ था, इसको यहाँ से कर लिया और इसके बाद जो है छोटा करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी सारी लेयर हमने डिलीट कर दी। और अब जो है ये फ़ोटो को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों जो फ़ोटो आपको लेना है सिंपल सा इस फ़ोटो को यहाँ पर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस लेयर पर। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी इस लेयर को हमने सेलेक्ट किया हुआ था और इस लेयर के ऊपर ही हमने फ़ोटो को सिंपल सा लिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस फ़ोटो को इसके हिसाब से अपनी बड़ी या छोटी कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा बाहर की ओर जा रही है तो कोई बात नहीं, हम इसको हम लोग यहीं पर सेट करेंगे। और सेट करने के लिए सिंपल सा इस फोटो को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जो है इस लेयर पे जाना है। लेयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ दिया हुआ है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। दोस्तों जैसे ही क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फ़ोटो यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब दोस्तों यहीं पर से हम जो है कंट्रोल करके यहाँ पर अपने सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो हमारी सेलेक्ट हुई है फ़ोटो को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने पूरा इस टाइप से ले लिया है। अब यहाँ पर दूसरी फ़ोटो चलिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर दोस्तों कोई कलर कलेक्शन वगैरह करना है आपको तो आप यहीं से कलर कलेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कलर कलेक्शन भी कर सकते हैं और उसके बाद आप फ़ोटो को पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर। और इसमें भी अगर आप चाहें तो कलर करेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसे आप कर लीजिएगा जो भी आपको कम ज़्यादा करना है कलर को आप यहाँ से कर लीजिएगा। और इसके बाद में दोस्तों आप हमको लेना है इस वाली लेयर में, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे सेकंड लेयर और सिंपल सा वही हम करेंगे यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर लिए हैं और इसको हमने बड़ा कर लिया है इस फ़ोटो को। और आप भी इस तरीके से फ़ोटो को बड़ा कर लीजिएगा और इसे देख रहे हैं कि बड़ी हो चुकी है। सिंपल से इस फ़ोटो पर जाएंगे और यहाँ पर भी हम क्लिप कर देंगे। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारी फ़ोटो क्लिप हो चुकी है इस लेयर के अंदर और यहाँ पर हमें जैसा भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें कोई
घबराने की बात नहीं, चाहे इतनी फोटो बड़ी हो। यहाँ पर सिंपल से तीसरी फोटो हमारी जो है वो हमने तीसरी लेयर में, जिस लेयर को भी आप में लेना है उस लेयर को आप कर लीजिएगा और उसी के ऊपर आपको सिंपल सा फोटो ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये फोटो हमारी हो चुकी है और यहाँ पर लेयर पे जाएंगे, सिंपल सा फिल से हम क्रिएट क्लिपिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से हमारी क्लिपिंग हो चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाले लेयर को हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसको चलिए हम बंद कर देते हैं, इस लेयर को जो जो यूज़ कर लिए हमने फोटो उसको बंद कर ले रहे हैं। और यहाँ पर आप जो है ये फोटो देख रहे हैं कि ये वाली हमारी फोटो है और इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमें फ़ोटो ली हुई है वो कुछ इस टाइप से है और इसको चलिए हम बड़ा कर लेते हैं और अब हम इसको भी यहाँ पर जा करके क्रिएट क्लिप कर देंगे और यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब दोस्तों हमको करना क्या, जो लास्ट आई फ़ोटो बची है वो ये फ़ोटो बची है, इस लेयर को हम सेलेक्ट कर लेंगे यानी कि तीसरी लेयर और यहाँ पर से भी इसको हम सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी ये फ़ोटो ऐसे सेलेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पर जाने के बाद हम फिर से इसको क्रिएट क्लिपिंग कर लेंगे तो हमारी फ़ोटो सारी सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी पूरा ये पेज बन करके तैयार हो चुका है और जो भी चीज़ें और जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा सा इफेक्ट हम डाल देंगे, तो यहाँ पर इस लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे और लेयर को सेलेक्ट करने के बाद जो है जो कि हमारी लेयर वन है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस लेयर को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा ड्रॉप शेडो भी डाल सकते हैं। इस फोटो पर और ताकि थोड़ा सा 3D लुक आ जाए और अगर आप इसको जो है ये दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों कि जिस टाइप से हमारा हमने जो है डाल दिया है और इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी जो है इस लेयर को तो जितना आपको 3D इफेक्ट लाना हो जिस तरीके से करना हो आप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टाइप से हमारा हो चुका है और यहाँ पर हम इस लेयर को भी सेलेक्ट करें दोस्तों, इसके नीचे की जो लेयर है यानी कि तीसरी लेयर है इस पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग गए और यहाँ पर से जो है इसको हम बढ़ाएंगे साइज को और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा कुछ इस टाइप से हो चुका है और इसका ऑपेसिटी हम कलर की जो है वो कम कर लेते हैं। तो अब दोस्तों देख रहे हैं कि इस टाइप से हमारी जो है ये लेयर हो चुकी है और इसी को सिंपल सा हम फिर से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे या जो भी इस लेयर है 6 लेयर दिखा रहा है तो हमारी तो यहाँ पर से हम इसमें कर लिए और हमारी जो मेन लेयर है यानी कि लेयर 2 तो इस पर हमारा अभी कोई नहीं है तो हम यहाँ पर 3 वाला ही इस पर हम कर लेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारा कुछ इस टाइप से रेडी हो चुका है। अब आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा थोड़ा 3D लुक में भी आ चुका है और इस तरीके से अपने फोटो को डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आप बैकग्राउंड में इसी फोटो किसी फोटो का यूज़ करना है तो आप फोटो का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको वो भी दिखा दूँ कि बैकग्राउंड में कोई फोटो अगर बैकग्राउंड का तौर पर यूज़ करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस फोटो का चलिए यूज़ कर लेते हैं बैकग्राउंड में या फिर किसी भी एक फ़ोटो का यूज़ हम लोग करेंगे। तो चलिए इसी फोटो का हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड में। तो इसको सिंपल सा बैकग्राउंड में हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, बैकग्राउंड को लेयर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस टाइप से हमारी हो चुकी है फोटो और अब हमको करना क्या है, ये फोटो हमारी हो चुकी है और अब यहाँ पर जाएंगे इस फोटो को सेलेक्ट करके फिल्टर में। फिल्टर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर है ब्लर का ऑप्शन होगा, यहाँ पर दिया गया है गॉशियन ब्लर, आप इस फोटो को गॉशियन ब्लर कर सकते हैं और जितना चाहें आप उतना ब्लर कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से आपका बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है और आपकी फोटो भी यहाँ पर लग चुकी है। इस टाइप से आप दोस्तों अपने फोटो का भी बैकग्राउंड बना सकते हैं और अपने एल्बम पर लगा सकते हैं।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा बैकग्राउंड हो चुका है और ये हमने फोटो लगा ली। अब इसको सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट एस प्रेस करेंगे ताकि सेवाइज हो जाए और इसको हम जो है यहाँ जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। जेपीजी फॉर्मेट में जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा एक जिस फोल्डर में करना है, जिस नाम से करना है, तो उस नाम से आप सेव कर लीजिएगा। यहाँ पर हम फाइनल करके सेव कर रहे हैं और जेपीजी करने के बाद जो है यहाँ पर हम लोग 12 प्रेस करेंगे तो लॉक या हाई करेंगे और इसे ओके कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से हम लोग अपना एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो कैसा आया हुआ है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो कैसा आया है, मैं आपको चलिए दिखा दूं। ये कुछ हमारा फाइनल आउटपुट आया हुआ है और इस तरीके से आप अपना एल्बम डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के इस वीडियो से क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या आपने कुछ नया जाना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई हुई सभी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होगी और जो चीज़ ना समझ में आए वो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा और पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर आपको एक नया वीडियो ही आप तक पहुँचा दूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ समझ में आ सके। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए लाल बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। और अगर आप हमें और हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं दोस्तों हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर हम ये चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं और ये जानकारी आपको देते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में और हिंदी में हम आपको जानकारी पहुंचाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी मिस ना करें हमारे एक भी वीडियो को और आज वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।